गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबको। तो आज गोवा में हमारा लास्ट दिन है, कल वी हैव टू रिटर्न टू बैंगलोर एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो बिकॉज़ आई लाइक माय हाउस, आई लाइक माय होम, आई लाइक बैंगलोर। बट हाँ, तो आज हमारा लास्ट डे ही नहीं है, आज टुडे इज माय एनिवर्सरी डे आल्सो, सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। केक अभी भी नहीं आया हमारे एनिवर्सरी का। Requesting all the couples to please come forward at the center. Aisa ek pal dur gawara nahi. अभी मैं जा रही हूँ बैंक्वेट हॉल फॉर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद का प्लान ये है कि हम बागा बीच जाएंगे, और बागा बीच का मैंने बहुत नाम सुना है, बट आई हैव नेवर बीन टू दैट बीच, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो। और उसके बाद का ये प्रोग्राम है कि शाम को हम जा रहे हैं क्रूज पार्टी, एंड आई हैव नेवर एवर एवर बीन टू अ क्रूज पार्टी, सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझको कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। I don't know. Let's see. So after breakfast, now we are headed towards Baga Beach. वहाँ पे थोड़ा time spend करेंगे. लेकिन as I said कि वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा crowd होता है, and crowd is something which I don't like. तो अगर देखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा crowd है, and we are not getting that खुला खुला privacy kind of a thing, then maybe we'll head to another beach जहाँ पे थोड़ा privacy होगा. And I'm here in Baga Beach finally. जितना सुना था उतना ही खूबसूरत, लेकिन मुझे ज्यादा खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि आज यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है। आई मीन बागा बीच के स्टैंडर्ड से जितना भीड़ होना चाहिए उतना भीड़ नहीं है, सो आई एम लविंग इट। वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज दूसरे जिन बीचेस में हम गए हैं कल जहाँ पे गए थे वो बहुत नीट एंड क्लीन था, लेकिन यहाँ पे हर जगह यू नो फूड प्लेट्स फिर बियर बॉटल्स वगैरह पड़े हुए हैं, सो आई गेस दैट इज हाउ इट इज। बीच में खेलते खेलते हम बहुत टायर्ड हो गए थे, तो फाइनली हम होटल रूम आए और हमने रूम में ही खाना मंगवा लिया। प्लान था बाहर जाने का, फैट फिश में जाने का, लेकिन हमने होटल रूम में ही सारा खाना मंगवा लिया। वी गॉट गोवन प्रॉन करी, गोवन चिकन करी, प्लेन राइस, जीरा राइस, एंड दैट वाज वन चिकन स्नैक, आई थिंक इट वाज चिकन क्रिस्पीज। हाँ, तो वही हम होटल में ही खा लिए, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक्स, कोकम ड्रिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई नहीं देख रहा है तो अपने हाथ से खाने में ही सबसे ज्यादा मजा है। सो वी हैड अ लंच, वी आर ऑन अवे टू द क्रूज नाउ, बट केक अभी भी नहीं आया हमारे एनिवर्सरी का। पूरा एक घंटा लगा बस में, और ये इतने सुनसान एरिया से जा रहे हैं ना हम लोग क्रूज तक, इतना डर लग रहा है इस वक्त मुझे। इट्स नॉट के कोई जंगल है, बट एकदम सुनसान एरिया है, एंड नदी है, नदी के साइड में मतलब लाइट नहीं है, यू कैन सी देयर इज नो लाइट, लिटरली जस्ट ये कैमरा के लाइट में रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम ब्लैक वाला लाइक मतलब जैसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट डार्कनेस वो है। मंडुपी रिवर, और 3 hours का क्रूज है ये, एंड अभी ऑलरेडी 7:30-8 तो बज गए हैं, तो अराउंड 10:45 तक इसमें रहेंगे। मुझे बस में इतनी नींद आ रही थी बिकॉज अराउंड 1 hour का पूरा जर्नी था बस में, बट जैसे ही मैं क्रूज के ऊपर चढ़ी मेरी नींद वींद सब गायब हो गई है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव 3 hours ऑफ प्योर फन राइट नाउ।
वो जो प्रॉपर्टी दिख रही है ना एकदम लाइट से ही बनी है, आई थिंक दैट इज द होटल बैनियन बाय हिल्टन, आई थिंक आई एम नॉट श्योर। बहुत अच्छा दिन चुना हम लोगों ने आने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक अ फुल मून नाइट। Requesting all the couples to please come forward at the center. Aisa ek pal dur gawara nahi. वैसे तो मैंने मिडनाइट केक ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ की डिलीवरी या सर्विस इतनी ख़राब थी कि मुझे अपना केक मिला अराउंड शाम के 7 बजे, और जब हम क्रूज से वापस आए तब ये होटल के रिसेप्शन से लिया हमने, और अराउंड 11:30 बजे अपनी एनिवर्सरी के 11:30 बजे हमने हमारी एनिवर्सरी का केक कट किया। और या इसी तरह से हमने अपनी एनिवर्सरी स्पेंड की और अपनी एनिवर्सरी केक काट कर क्लोज की, लोग केक काट कर शुरू करते हैं। एंड बस यही था हमारा गोवा का ट्रिप, और टाइम टू से बाय बाय गोवा एंड हाय बैंगलोर।